नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में भाजपा सहित सभी को चौंकाने वाले नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम रहा। हैरत तो यहां हो रही है कि इनका नाम सीएम की दावेदारी की चर्चाओं में नहीं आ रहा था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने यह नाम प्रस्तावित करने की जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही थी। मध्य प्रदेश भाजपा में चौंकाने वाले नए मुख्यमंत्री का चेहरा उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार बने विधायक मोहन यादव हैं, जो शिवराज सिंह सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व बाखूबी निभाया। आज भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के तीनों पर्यवेक्षकों के समक्ष मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित सभी भाजपा दिग्गजों की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल के 163 विधायकों की उपस्थिति में बैठक के पश्चात यह बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं राजेश शुक्ला होंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा जल्दी सीएम शपथ समारोह की दिनांक की घोषणा करेगी। शपथ समारोह के पश्चात मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नए मंत्रिमंडल की तस्वीर सामने आएगी। हम आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के जीवन परिचय के बारे में बतलाते हैं। सन 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव एवं 1984 में अध्यक्ष, सन 84 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री एवं 1986 में विभाग प्रमुख, सन 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री एवं राष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य, 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री तथा सन 1991-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री, सन 1993-95 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उज्जैन नगर सहखंड कार्यवाहक सायम भाग नगर कार्यवाहक एवं 1996 में खंड कार्यवाहक और नगर कार्यवाहक, सन 1997 में भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सन 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य, 1999 में भाजपा युवा मोर्चा के उज्जैन संभाग प्रभारी, सन 2002 से 2003 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्य परिषद के सदस्य, सन 2002 से 2003 में भाजपा के नगर जिला महामंत्री एवं सन 2004 में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सन 2004 में सहस्त्र मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य, सन 2004 से 2010 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा, सन 2008 से भारत स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष, सन 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सन 2013 से 2016 में भाजपा के अखिल भारतीय संस्कृति प्रकोष्ठ के सह संयोजक, उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो अमेरिका द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार और इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा सम्मानित मध्य प्रदेश में पर्यटन के निरंतर विकास हेतु सन 2011-12 एवं 2012-13 में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत, सन 2013 में 14वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित, सन 2018 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित, दिनांक 2 जुलाई 2020 को मंत्री बने, 2023 में तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित और आज मुख्यमंत्री बने हैं।